जी खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। माराम यार पुरबाना की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया रावी के पानी के इजाफा से दरिया रावी का पानी पुल कुतक शाने के मकाम पर मेन रोड पर पहुंच गया है और रोड का कटाव शुरू कर दिया और रोड टूटने के खदशात मंडला रहे हैं। महकमा इरीगेशन खमोश तमाशाई और दरिया रावी में पानी की मकदार में इजाफा से दर्जनों आबादियाँ जेर आब आ गई हैं और सैकड़ों एकड़ कपास और दीगर फसलें तबाह हो गईं। पानी के इजाफा के बायस मुतअद्दिद आबादियाँ जेर आब, दरिया का पानी पुल कुतक शाने के मकाम पर पहुँच कर मेन रोड का कटाव शुरू कर दिया है। महकमा हाईवे डिपार्टमेंट के एहलकारों की जानब से रोड को बचाने के लिए कोशिश जारी है कि रोड के कटाव को रोकने के लिए दरिया में दरख्त और रेत की बोरियाँ फेंक कर कटाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कटाव को रोकने के लिए ये कोई काम तसल्ली बख्श नहीं है कि साहिवाल और फैसलाबाद को मिलाने वाला मेन रोड के टूटने के खदशात बढ़ रहे हैं। इलाका मकीनों में तश्वीश पाई जा रही है, जिस महकमे का काम है उनकी जानब से किसी के कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहे और ना ही देखने को मिले। और महकमा इरीगेशन डिपार्टमेंट साहिवाल टस से मस नहीं है। इस हमारे पर मकीनों ने तश्वीश का इजहार करते हुए ज़िला इंतजामिया साहिवाल से अपील की है कि दरिया के कटाव को फिलफौर रोका जाए ताकि रोड टूटने से महफूज रह सके और रोड में गुजरने वाले राहगीरों को कोई दिक्कत पेश ना आए और राहगीरों की तरसीली सहूलत मुतासर ना हो और तरसीली निज़ाम बहाल रहे, क्योंकि पानी के तेज़ बहाव से मेन रोड तबाही के दहाने पर पहुँच रहा है और करोड़ों रुपए की लागत से बना रोड कटाव की वजह से गिरने लगा है। जी।